मुझे तो लग ही ना कि उड़ीसा में कितना उड़ीसा बोल रही है, उड़ीसा की भाषा बोल रही है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं आती बोलनी? बोलनी आती है, आपके लिए मैं हिंदी बोल रही हूँ। तो मुझे तो आती है उड़िया बोलनी। या अब मुझे ये शौक दे रहे हो आप, मतलब अच्छा बोल के देखो कुछ भी। अच्छा आप कुछ मत हिंदी में मत बोलना, उड़िया में। हाँ बिल्कुल। तो मुँ बने भी आंब चिंगुड़ी बेसर तरकारी आपण। ऑफकोर्स। सो प्रॉन्स आप बनाएंगे आम के साथ बना रहे हैं? ओह माय गॉड यस। तो क्या उड़िया? ओनली उड़िया। तो शेफ को पाई तो माजे बने भी आंब चिंगुड़ी जोटा कि हमारा भद्रक रो गोटे बहुत ही ओल्ड रेसिपी। और ये हमारे मैं समझ गया मैं, बहुत पुरानी है भद्र लोग। क्या रे क्या मतलब भद्र लोग शुरू करो चलो। ठीक है तो उसके लिए मैं पहले पैन में ऑयल लूंगी, फिर वही सोरिसा तेल नौची। वेरी गुड। मस्टर्ड ऑयल, आई विल ट्रांसलेट इट फॉर यू। ठीक है ताकि ऑफ कोर्स आपको जो उड़िया मुझे भी कंफ्यूज है गले नहीं, मैं एमती रे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी ले, अभी भी बहुत कंफ्यूज है यही छे। प्रॉन कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, ये हो जाए कोई बात नहीं। तो एडा मैं गरम करी की सेटर मु प्रॉन्स पके भी तो थोड़ा सा ही बस इधर उधर पलटाना है। Sure, तो पलटाना ही है तो ऐसे ही पलटा देंगे। Tossing is the... तो जब तक ये हो रहा है मैं आपको ग्रेवी के लिए बताती हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट सा ग्रेवी है, हम लोग बहुत ज़्यादा मस्टर्ड यूज़ तो करते हैं बट अभी सीज़न है आम का तो हमारा ये मैंगो वाला एक ग्रेवी बनता है जिसमें आपका ब्लैक मस्टर्ड और येलो मस्टर्ड भी आता है। तो आप जैसे बोले कि आप बहुत ज़्यादा उड़ीसा में आते हैं, बहुत बार आए हुए हैं, बहुत सारे स्टेट्स घूमे हुए हैं, तो ऐसे कौन सी जगह है या फिर कौन सा खाना है जो आपको पसंद है? हाँ मुझे याद है लास्ट टाइम मैं आया था, मेरे मित्र हैं सौभाग्य महापात्रा। ओके। तो होटेलियर हैं तो उनके घर में खाना उन्होंने पूरा ट्रेडिशनल खाना बनाया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर घर से भी ज़्यादा जो खाना यहाँ पे बेटर लगा वो पूरी टेंपल में जो भोग होता है ना वो सबसे सबसे स्वादिष्ट। बिल्कुल। तो ऐसे तो मैंने देखा है आपने बहुत सारे रेसिपीज़ भी उड़ीसा के ट्राई किए हुए हैं, आप सिखाते भी रहते हैं, तो वो चीज़ मतलब कैसे आपको मतलब उसका ओरिजिन जो आप हमेशा तो उसके बारे में जान के ही बनाते हैं तो वो आपको कैसा लगता है, मतलब कभी बनाते हैं आप घर पे ट्राई करते हो? सारा खाना है तो खाना ऐसा नहीं है कि आप कहीं नहीं गए तो आपको वहाँ का खाना नहीं पता। आप ट्रैवल करते हैं, लोगों से मिलते हैं, खाना खाते हैं एंड इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें से कोई ऐसा जाना बजाना इंग्रेडिएंट नहीं है। वही जितने उड़ीसा वाले हैं दुनिया में कहीं पर भी उनको बताना चाहता हूँ दैट वो लोग अपने खाने के बारे में और ज़्यादा बातें करें। यस। थोड़ा सा उससे शर्माएं नहीं, गर्व से सर्व करें, गर्व से सर्व करें अपना उड़ीसा का खाना। मतलब आप जो ये बात बोल रहे हो ना, ये 3 साल से मेरा मोटो हमेशा से यही है, ये इतना रिच है बट लोगों के पास पहुंच नहीं पाता है। उड़ीसा राइस का वर्ड है और राइसा सटाइवा राइस का साइंटिफिक नेम। और कौन कौन सा स्टेट बोल सकता है ऐसा कि हमारा जो नाम ही वो खाना है, इतना रिच है। तो आई थिंक उसकी प्रमोशन और होनी चाहिए। डेफिनेटली सारे लोगों को भी यही बोलूँगी कि आप अपने खाने के लिए ना गर्व महसूस कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सारा मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड और ब्लैक मस्टर्ड, पॉपी सीड और थोड़ा सा गार्लिक और रेड चिली एंड ग्रीन चिली, बस यही हमारा एक पेस्ट बनेगा जो कि मैं ऑफकोर्स बना के रखी हूँ। Very nice. तो ये आपका पेस्ट है। थोड़ा सा ज्यादा ऑयल ले रहे हैं क्योंकि हमारा मस्टर्ड ऑयल से ही वो फ्रेग्रेंस वो आता है और इसमें मोस्टली आम का ही फ्लेवर है, तो ये थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा ऐसे टाइप में ही रहेगा। इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी, बहुत ही बेसिक से मसाले पड़ते हैं, हल्दी मिर्ची नमक, क्योंकि मस्टर्ड का ही अपना फ्लेवर रहता है।
तो जीरा पाउडर मैंने ये डाल दिया हुआ है। उड़ीसा में उड़िया नहीं आती है इसको बोलने। मुझे आती है सब ठीक है। मैं बैठो उड़िया रही कथा है अभी। हल्दी लंका गुंड और जीरा गुंड उड़िया में स्माइल नहीं करते हैं। करते nice. The pungentness is there. इसमें और एक चीज भी जाता है जो कि मैं अभी डालूंगी, फ्रेशली मेड कोकोनट मिल्क। Fantastic. हमारा तो कोस्टल एरिया है, आपको पता है कितना ज्यादा हम लोग नारियल यूज करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा कोकोनट मिल्क, तो जैसे कि ये हमारा डाला, इसको थोड़ा सा बॉइलिंग टेम्परेचर में डाल के आई विल पुट द प्रॉन्स। वेरी गुड, राइट जी, परफेक्ट। जैसे कि ये हमारा ये डल गया, इसके ऊपर हम जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आम, वो डालेंगे। तो ये आम के साथ ही कुक होगा, उसमें से वो खट्टा वाला फ्लेवर भी आता है। ये हमारा एक्चुअली बोलूँ तो बस 5 मिनट में ये रेडी है, क्योंकि हम लोग आम को ज़्यादा पकाएंगे नहीं। Sure. थोड़ा सा वो च्यूइनेस रहता है इसमें। ये तो हमारा आम पक रहा है और शेफ मुझे बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी दे रहे हैं। तब तक आप देख लीजिए इसका एक रीकैप। गोटे पैन रे सोरिष तेल गरम करी 7-8 चिंगुड़ी नहीं भल भाव भाजी दिंतु। गोटे बाउल रे 2 चामच सोरिष, पोस्त 2-3 लाल लंका, 3-4 रसुण कोला, 2-3 कंचा लंका, 1 चामच जीरा, कंचा आंब मिसाई पेस्ट तैयार करंतु। एबे अन्य गोटे पैन रे तेल गरम करंतु एवं प्रस्तुत पेस्ट को सेथिरे पकाई भल भाव घांटी दिंतु। तापर सेथिरे अल्प हलदी, 1 चामच लंका गुंड, 1 चामच जीरा गुंड, स्वाद अनुसार लुण, फ्रेश कोकोनट मिल्क मिसाई भल भाव घाटी गरम करंतु एवं सेथिरे चिंगुड़ी पकाई दिंतु। 4-5 खंड कटा आंब पकाई अल्प पानी मिसाई 5-7 मिनिट पई प्रस्तुत हेबाकु दिंतु। वर्तमान आंब चिंगुड़ी को सर्व करंतु। बंद कर दें, हो गया रेडी? हो गया। अच्छा मैं क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो मैं ये टेस्ट नहीं करूँगा। हाँ चलेगा, आपको मैं पैक करके देती हूँ। वेरी गुड, दिखने में बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे पता है कि यहाँ के जो प्रॉन्स होते हैं बड़े अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच शेफ, आप यहाँ पे आए और हमारे शो में 4 चांद लग गया है अभी। एक्चुअली मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ है जो मैं इतने साल से देखी थी। एंड उड़ीसा में आए, उड़ीसा के लोगों को इतना सारा आप टिप्स दिए, इतना सारा स्किल आपका आपने बताया, शेयर किया, थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू।